Hello students, this is Dr. Tri. I am your chemistry faculty. I am having more than 6 years of experience in the field of IIT JEE, NEET, mains and advanced. ठीक है, IIT JEE. ठीक है बेटा, तो आज जो हम लोग बेटा टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज गोइंग टू बी आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी केमिकल बॉन्डिंग. बट आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए बेटा आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का स्टार्ट करते हैं. ठीक है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग देखो बेटा आईआईटी दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अगर आप लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर सही से स्टडी करना चाहते हो बेटा, इनऑर्गेनिक आप लोग केमिकल बॉन्डिंग के अब उसको बिना स्टडी किए आप लोग ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सही तरीके से नहीं पढ़ सकते. ठीक है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के लिए. अगर आप लोग ऑर्गेनिक पढ़ना चाहते हैं, आप लोग इनऑर्गेनिक के फील्ड में थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से आप लोग समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना बहुत जरूरी रहेगा. ठीक है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग का मैं बेसिक चीज़ आप लोगों से साथ में डिस्कस करूंगा. बेटा केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट हम लोगों के पास में बनता है वो ये होता है कि आप लोग डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग में कि बॉन्ड क्या होता है. बेटा हम लोग क्या बातें करेंगे कि बॉन्ड हम लोगों के पास में क्या होता है. ठीक है ना, थोड़ा बॉन्ड का बेसिक चीज़ें आप लोग पढ़ के आए होंगे. बॉन्ड का थोड़ी सी चीज़ें बेसिक आप लोग पहले से पढ़ के आए हो बॉन्ड को लेके, कि बॉन्ड कितने तरीके का होता है, कौन सा वाला बॉन्ड होता है, उसको लेके बेसिक चीजें आप लोग पढ़े थे. ठीक है बेटा, तो ये मैं आपको बता दूं बॉन्ड को हम लोग इस चैप्टर में 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं. जो पार्ट कौन सा रहेगा बेटा, सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं वो होता है आयोनिक बॉन्ड. एक बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे आयोनिक बेटा. दूसरा वाला बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है बेटा, इस चैप्टर में हम लोग आयोनिक कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बेटा डिटेल में स्टडी करते हैं कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है बेटा, डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, मैं आप लोगों के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस करूंगा कितने तरीके का होता है और कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, हम लोग कैसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं. और उसके लिए बेटा मैं आपको बहुत इजी तरीके से ये समझाऊंगा कि हम लोग जब बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं आप लोग जो 10th में पढ़ के आए हैं उससे ये कितना अलग हो सकता है और कितना आसान हो सकता है. ठीक है बेटा, तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कौन से वाले पार्ट से, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड. हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड से. बेटा कोवेलेंट बॉन्ड का बेसिक एक चीज आप लोग सब लोग पढ़ के आए होंगे कि बनता कैसे है. तो सब लोगों ने पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है दैट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. है ना, ऐसा पढ़े होंगे जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड वो किससे बनता है बेटा, दैट इज फॉर्मड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बेटा, ऐसा बॉन्ड जो किससे बनेगा बेटा, व्हिच इज फॉर्मड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है ना, इसमें एक वर्ड जो मैंने यूज किया गया है बेटा म्यूचुअल. इस म्यूचुअल का मतलब क्या होता है बेटा, म्यूचुअल का मतलब होता है बराबर का शेयरिंग, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग. ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से मतलब क्या हो गया कि मान लो हम लोगों के पास में एक एटम है, दूसरा एटम बी है बेटा. अगर एक इलेक्ट्रॉन ए का शेयर करेगा तो बी का भी कितना शेयर करेगा बेटा, एक. अगर दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेंगे और यहाँ पे जो शेयरिंग हो गया वो कैसा हो गया, म्यूचुअल शेयरिंग. ठीक है, जैसे अगर ए बी फॉर्मेशन है तो बेटा इसमें शेयरिंग एक एक इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, बीच में जो शेयरिंग होगा वो दो दो इलेक्ट्रॉन का हो सकता है. ए और बी के बीच में जो शेयरिंग होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है कि 3 ए का पार्टिसिपेट करे और 3 बी का पार्टिसिपेट करे. उसके बेस पे इस बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आप लोग पढ़ के आए होंगे कि कौन से वाले बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड बोलेंगे. सिंगल बॉन्ड कब बोलते थे आप लोग, कि सिंगल बॉन्ड बनने के लिए, सिंगल बॉन्ड बनने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाए. एक इलेक्ट्रॉन ए का रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन बी का रहेगा, तो बॉन्ड बना उसको हम लोग क्या बोले, सिंगल बॉन्ड बोले. सिमिलरली बेटा अगर एक इलेक्ट्रॉन एक दो इलेक्ट्रॉन ए का दो इलेक्ट्रॉन बी का, तो जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, उसको डबल बॉन्ड बोलेंगे. अगर बेटा तीनों का अगर एक एक तीनों मतलब तीन एक का 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, बी का 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया होता तो उसको मैं क्या बोलता बेटा, ट्रिपल बोलूंगा. ठीक है ना,
तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल क्या होता है, ट्रिपल क्या होता है, वो भी हम लोग 10th में पढ़ के आते हैं बेसिक डेफिनेशन के। सिंगल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, बुढ़ा कानूनी मांसू, ठीक है, ट्रिपल क्या, ये चीजें बेसिक चीजें आप लोग पढ़ के आते हैं। और इसके आगे हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे बेटा इसके अगर मैं थोड़े छोटे एग्जाम्पल्स आप लोगों को लिखूं, तो आप लोग ऐसा पढ़ के आए होंगे कि हम लोगों ने बोला कि H2 के बीच में बेटा कौन सा बॉन्ड बनेगा, H2 मॉलिक्यूल मेरे पास में, तो सबने पढ़ा है H2 बनता है H सिंगल बॉन्ड H से ना, H हम लोगों के पास एक और है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया और इसने लिया, तो ऐसा करके हम लोग क्या बना दिया, H सिंगल बॉन्ड H बना, उसको मैं क्या बोला, एच सिंगल बॉन्ड एच बोला, है ना। तो ऐसी चीजें आप लोग पढ़ के आए होंगे कि हम लोग कैसे शेयरिंग शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। चलो बट यहाँ तक तो बेसिक है, सब लोग पढ़ के आते हैं सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, डबल कैसे बनता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। बट एक बात कि जब आप लोग आयोनिक बॉन्ड पढ़ते थे, तो आयोनिक बॉन्ड में एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज वैलेंसी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रो वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सब लोग पढ़ के आए होंगे एक टर्म हम लोग डिफाइन करते थे, इनकेस ऑफ वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी का मतलब आप लोग सब पढ़ते थे कि ऐसा टर्म, वैलेंसी मतलब क्या होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या गेन हो रहा है एक एटम, कुछ इलेक्ट्रॉन आयोनिक बॉन्ड में आप लोग पढ़ते थे कि आयोनिक बॉन्ड जो बनता है, बट आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, दैट इज फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ऐसा बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे आयोनिक बॉन्ड, ठीक है बेटा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने। तो वैलेंसी का मतलब क्या होता था, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, वैलेंसी बोलते थे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है ना? एक एटम जब आयोनिक बॉन्ड बना है, तो बेटा एटम ए हम लोगों के पास होता था, एक एटम बी था, तो ए क्या करता था बेटा, बी को जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट करना हम लोगों ने मान लिया, चार्ज कैसा आ गया पॉजिटिव, बी पे आ गया नेगेटिव, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन डेवलप। बट जनरली आप लोग पढ़े होंगे कि आयोनिक बॉन्ड में दो चीजें, एक तो कटायन और एक अनायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बेटा। तो उसमें आप लोग वैलेंसी को पढ़े होंगे कि वैलेंसी क्या है। बेटा मेरा जो टॉपिक है अभी वो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। बेटा कोवलेंट बॉन्ड में मैं आपको पहले से एक बार फिर से बता दूं कि कोवलेंट बॉन्ड में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है क्या होता है और कितने तरीके का होता है बेटा, आपको मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो सिंगल, डबल और ट्रिपल। एक सिंगल होता है, एक डबल होता है, एक बेटा हम लोगों के पास में क्या होगा, ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड क्या होगा बेटा, जहां पे वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। डबल क्या होगा बेटा, जहां टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, जहां पे थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। और ये सबको पता है कि जो शेयरिंग होता है बेटा वो कैसा होता है, म्यूचुअल होता है, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग, एक एक दोनों का इलेक्ट्रॉन, दो दो दोनों का इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है बेटा। अब बात हम लोग जो करेंगे वो टर्म क्या हम लोगों को सीखना है, हम लोग सीखने वाले हैं बेटा कोवेलेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंसी, ठीक है बेटा। जैसे वैलेंसी पढ़ते थे उसी के जैसा बेटा क्या होता है, कोवेलेंसी होता है, ठीक है। तो आपसे बोलूं कि कोवेलेंसी क्या होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंसी, कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है बेटा। सिंपल तरीके से आप लोगों के लिए कोवेलेंसी, कोवेलेंसी क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। बेटा कोई एटम ने कितना बॉन्ड फॉर्मेशन किया, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, बेटा किसी भी एटम ने कितना कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोवेलेंसी बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब बात ये होगी कि बेटा कोई भी एटम कितना कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना, जितना कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा बेटा, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड तो क्या बोलते हैं बेटा, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंसी। अब बात ये बेटा कोवेलेंट बॉन्ड कितना बनता है, बेटा कोवेलेंट बॉन्ड कितना बनेगा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, और कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी एटम है, वो कितना कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, बेटा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेटा किसके इक्वल होता है। बात ये होगी कि जो कोवेलेंसी हम लोग बोल रहे हैं बेटा, कोवेलेंसी, कोवेलेंसी क्या है बेटा, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, मतलब बेटा कितने टोटल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंसी। बेटा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना बनेगा वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, बेटा किस पे डिपेंड करता है वो, दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास में है तो उसको उतना वो क्या कर सकता है, इतने कोई लेके एग्जांपल लेके बेटा, एग्जांपल लेके बात करते हैं, ठीक है। चलो
पहले एक बात और समझ लो बेटा, जो कोवेलेंसी होता है वो होता है बेटा, कोवेलेंसी जो होता है उसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं बेटा। फर्स्ट जो होता है उसको कोवेलेंसी, और दूसरा जो टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी। मतलब क्या होता है एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी है, दो तरीके का बेटा कोवेलेंसी होता है, एक ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी होता है और दूसरा बेटा क्या होगा दैट इज एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी। ठीक है बेटा, बट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट अगर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो एक्साइटेड स्टेट में जाके जो कोई भी एलिमेंट होता है, एलिमेंट ट्राइज टू अनपेयर इट्स पेयर इलेक्ट्रॉन, एनी एलिमेंट ट्राइज टू अनपेयर इट्स पेयर इलेक्ट्रॉन, ट्राई टू अनपेयर इट्स पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, दो तरीके से हम लोग बातें करेंगे कोवेलेंसी का, एक होता है बेटा ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी और एक होता है एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी। बेटा ग्राउंड स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट तो सब लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ा है, हम लोग क्या करेंगे बेटा उसका ग्राउंड स्टेट चेक करेंगे, ग्राउंड स्टेट में उसके पास कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है उसको लोग बोलेंगे ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी। फिर जाएंगे बेटा उसके एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में उसके पास में कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा उसका एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी बोलेंगे। बेटा एक्साइटेड स्टेट में जाके कोई भी एलिमेंट क्या करता है, वो हमेशा अपने पेयर इलेक्ट्रॉन्स को बेटा अनपेयर करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट क्या करेगा बेटा, कोई भी एलिमेंट अपने पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करने का कोशिश करेगा। इनके पास में एक एलिमेंट है, एक बात एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं यहाँ पे, जो ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी होता है ये जो होता है बेटा वो किसके केस में होता है, बेटा नेबरिंग जो एटम्स होते हैं वो शो करते हैं। ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी शोन बाई नेबरिंग एटम्स, जैसे लोग कोई मॉलिक्यूल बनाओगे उसमें एक सेंट्रल एटम होगा कुछ नेबरिंग एटम्स होंगे, तो जो नेबरिंग एटम होते हैं वो कौन सा वाला कोवेलेंसी शो करते हैं बेटा। ठीक है ना, तो बेटा वो जो कोवेलेंसी शो करते हैं दैट इज ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी। लेकिन जो बेटा हम लोगों के पास में सेंट्रल जो एटम होता है बेटा, जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम कौन सा वाला कोवेलेंसी शो करता है, सेंट्रल एटम जो होते हैं बेटा वो एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी को शो करता है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम लोग बेटा इस टॉपिक को लेके आगे बढ़ते हैं, तो आपको होपफुली सारी चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं एक एक करके बेटा एग्जाम्पल्स लेता हूँ, मान लो मेरे पास में लिथियम है बेटा, अगर मैं लिथियम ले चलूँ तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 3 होता है। आप लोगों ने पढ़ा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है बेटा, बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s1 ऐसे होगा बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है 1s2 2s1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा कि अगर मैं ग्राउंड स्टेट लिखूं, बट इसका ग्राउंड स्टेट लिखूं होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन में जनरली कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस एंड बेटा कौन से वाले, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, आउटर मोस्ट सेल है ना। हम लोगों को ये देखना है कि किसी भी एलिमेंट के पास में वैलेंस सेल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा उसका कोवेलेंसी बोलेंगे। तो मैं अभी सब एलिमेंट के केस में आपको मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करने वाला हूँ कि कौन सा वाला एलिमेंट कितना मैक्सिमम कोवेलेंसी को शो करता है। ठीक है, जैसे मेरे पास में लिथियम हो बेटा, इसका ग्राउंड स्टेट आप लोग बनाओगे तो आउटर मोस्ट शेल बेटा ये वाला है 2s, अगर 2s तो इसके पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना, ठीक है बेटा, थैंक यू समीर। बट इसके पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, आप में से कोई मुझे बताएगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2s के पास में, एनी वन ऑफ यू कोई बता सकते हैं। बट आपको दिख रहा है सिंपल केस के पास में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके पास में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसका जो ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी होगा, इसका जो कोवेलेंसी होगा बेटा वो कितना होगा, बट इसका जो कोवेलेंसी होगा वो 1 होगा। लेकिन बेटा मैं कौन सा वाला कोवेलेंसी लिखाऊं, अभी ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी लिखाऊं। ठीक है, अगर सिमिलरली अगर लोग इसका एक्साइटेड स्टेट जाके चेक करें, क्या करें बेटा इसका, आप लोग जाइए इसका एक्साइटेड स्टेट जाके चेक करें बेटा, बेटा इसमें 2s में कोई चेंज आएगा क्या, इसके पास कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने का रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल भी नहीं है बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों को अनपेयर करने का बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा इसका एक्साइटेड स्टेट भी कैसा है देखिएगा सेम, इसका एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी कितना होगा, इसके एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी कितना होगा, बोल सकता हूँ लिथियम का ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी और एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी दोनों ही कैसा होता है, 1 होता है। चलो बेटा थोड़ा सा और समझते हैं, मानो मेरे पास में बेरिलियम हो, आप लोगों के पास में क्या होता है बेटा, बेरिलियम।
इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा इसका? 1s2 2s2 बेटा, क्या होगा? 1s2 2s2 बेटा। आउटर मोस्ट शेल क्या हम लोगों के पास इसका? 2s। अगर आप लोग इसका ग्राउंड स्टेट चेक करें बेटा, 2s2 आप लोग देखेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा बेटा आप लोगों को। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बट इसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितना है अभी? यहाँ पे आपको दिखा है इसके पास में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बेटा यहाँ पे एन अनपेड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 0 है बेटा। ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी कितना होगा? इसका कोवेलेंसी कितना होगा? 0 होगा। इसका ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी कितना हो गया? 0 होगा, क्योंकि इसके पास में ग्राउंड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट आप लोग ये बताओ कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन का वैल्यू कितना है बेटा? एन का वैल्यू 2 है, सबको दिख रहा है। एन का वैल्यू कितना है बेटा? 2। बट अगर एन का वैल्यू 2 है तो एल का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? एन का वैल्यू अगर 2 है तो बेटा एल का वैल्यू क्या क्या होगा? 0 होगा और 1 होगा। एन का वैल्यू 2 तो एल का वैल्यू क्या क्या होगा बेटा? 0 1। 0 1 होने के बाद तो इसके पास में एस होगा और पी सबसे भी होगा, है कि नहीं? बट अगर मैं बात करूं तो 1s2 2s2 बेटा, इसके पास में 2p भी रहा होगा, और 2p बेटा कैसा रहा होगा? खाली पड़ा होगा, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे कैसा होगा? 1s2 2s2 2p 0, क्योंकि यहाँ बेटा एन का वैल्यू 2 है, एल का वैल्यू कितना होगा? 0 और 1। तो यहाँ पे बेटा एन का वैल्यू 2 होने पे कौन से वाले इसके पास में ऑर्बिटल्स होंगे? इसके पास एस के ऑर्बिटल्स होंगे और पी के ऑर्बिटल्स होंगे, और पी के ऑर्बिटल्स जो बेटा वो कैसा रखा होगा? वैकेंट पी ऑर्बिटल्स रखे होंगे। बट अगर आप लोग उसके एक्साइटेड स्टेट में जाके चेक करोगे तो आपको देखेंगे 2s हमारे पास 2p है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बट इसके पास जो पेयर इलेक्ट्रॉन था, एक को यहाँ रख लेगा, दूसरे को यहाँ भेज देगा। बट इसके पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2। तो इसका एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी कितना हो जाएगा? 2। बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट कोवेलेंस कितना होता है बेटा? 0 होता है। और एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी कितना होता है? 2 होते हैं। एक्साइटेड स्टेट में जाके ये कितने बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है? 2 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन ग्राउंड स्टेट इसका कोवेलेंसी कितना होता है? 0 होता है। सिमिलरली बेटा अगर हम लोगों से बोला होता कि हम लोगों के पास में बोरोन है, बोरोन का बताओ कोवेलेंस कितना होगा बेटा? बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लोगों को पता होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2s2 2p1। कितना होता है बेटा? 2s2 2p1, ठीक है। अब 2s2 2p1 में मैं आपसे बोलूं उसका ग्राउंड स्टेट कैसा देखेगा? आप लोग सब बोलेंगे इसका जो ग्राउंड स्टेट होगा उसमें क्या होगा? यहाँ पे हम लोगों के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। यहाँ पी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा। अगर हम लोग इसका ग्राउंड स्टेट कोवेलेंस बोले तो कितना मिलेगा हम लोगों को? 1। एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंसी किसके इक्वल होगा बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल, ठीक है। बट अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी कितना है, इसका एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी कितना है, तो आप बोलेंगे सर इसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको ये क्या कर सकता है? पी में भेज के अनपेयर करा सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ। जो इसके पास अभी कितना बेटा? 3 है। तो इसका जो कोवेलेंसी होगा बेटा वो कितना हो जाएगा? 3। तो जो बोरोन है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है? वो 3 ही कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कार्बन के लिए आप लोगों से बोला होता, मैंने क्या बोला होता बेटा? कार्बन का कोवेलेंसी बताओ बेटा। कार्बन के लिए आप लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है, ठीक है बेटा। मैं आप लोगों को कोवेलेंसी क्यों डिस्कस कर रहा हूँ बेटा? तो कोवेलेंसी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आपको पता होगा कि कौन सा वाला एलिमेंट कितना बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, तो आप कोई भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रक्चर बेटा सेकेंड्स में ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी मॉलिक्यूल होगा अगर आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तो बेटा बहुत आसानी से सेकेंड्स में ड्रॉ हो जाएगा। उसके लिए आपको कोवेलेंसी, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, और कैसे हम लोग कोवेलेंसी को चेंज कर सकते हैं, कैसे कोवेलेंसी को इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे कोवेलेंसी को डिक्रीज किया जा सकता है, वो चीज़ें बेटा आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। हाउ कैन वी इंक्रीज द कोवेलेंसी, हाउ कैन वी डिक्रीज द कोवेलेंसी, ये सारे टर्म्स आपको बेटा क्या होना चाहिए? अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं आपको सबसे 2-3 चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँगा। बोरोन का बेटा मैं आपको डिस्कस करूँगा, कार्बन का कोवेलेंसी बेटा। कार्बन के केस में आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है वो कितना होता है बेटा? दैट इज 2s2 2p2। बट इसके केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होगा? 2s2 2p2 चेक करेंगे बेटा। ग्राउंड स्टेट आपको देखिएगा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। पी में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? पी के पास 3 ऑर्बिटल्स है और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक एक करके, ठीक है बेटा, है ना। अगर मैं बोलूँ इसका एक्साइटेड स्टेट कितना होगा बेटा, अगर इसके यहाँ पे बेटा ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। बट इसका ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है ना। इसका बेटा ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी कितना हो गया? 2 हो गया। अगर मैं बोलूं बेटा इसका एक्साइटेड स्टेट बताओ,
बट इसके पास में यहाँ पे एक पी में जगह खाली पड़ा है, एक ऑर्बिटल बेटा कैसा है वैकेंट है, तो अपने एक इलेक्ट्रॉन को बेटा किसके पास भेज सकता है, पी के पास भेज सकता है। तो यहाँ पे बेटा कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इधर कितना चला गया एक इलेक्ट्रॉन को और इधर भेज दिया, तो यहाँ तीन हो गया, टोटल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4। बेटा कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएगा, तो ये चार टोटल चार कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इसका जो कोवेलेंसी होगा बेटा वो कितना, मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 4, इससे कम शो कर सकते हैं है ना। मैक्सिमम इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं बेटा, 4 हो सकते हैं। जैसे सिमिलरली इसके साथ मैं आपसे बोला होता बेटा, देखो हम लोगों के पास में नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया बेटा, अगर आपसे बोला होता तो नाइट्रोजन का कोवेलेंसी कितना होगा, नाइट्रोजन ठीक है बेटा, इन केस ऑफ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, आप लोग बोलेंगे इन केस ऑफ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2s2 2p3, बट यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, इट इज 2s2 2p3 ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं ग्राउंड स्टेट क्या होगा वो बताओ, तो ग्राउंड स्टेट में आप लोग बोलेंगे एस के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स और पी के पास में 3, तो बेटा कैसे बनाएंगे, एस में कितना इलेक्ट्रॉन्स बेटा इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में कितना इलेक्ट्रॉन्स बेटा इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक एक इधर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया इसके पास, टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज 3, बट इसका ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी कितना होगा 3 ठीक है। अगर आप लोग इसका एक्साइटेड स्टेट में जाए बेटा, कौन से स्टेट में जाए बेटा, एक्साइटेड स्टेट ठीक है बेटा, अगर आप लोग इसके एक्साइटेड स्टेट में जाओगे तो यहाँ पे बेटा कितना इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ से क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन को कहीं पे अनपेयर कर सकता है क्या, जो इसके पास में इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑर्बिट में 2s में, तो क्या उसको बेटा ये दो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पे पेयर्ड रखा होगा तरीके से, तो आप बोलेंगे सर इसके पास तो कोई वैक्यूम ऑर्बिटल है, हम इसको भेज के अनपेयर करा लें, इसके पास क्या नहीं है बेटा, इसके पास में कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है बेटा, अगर इसके पास में कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो जो ये इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको किसी भी तरीके से अनपेयर नहीं कर सकता। तो जैसा इसका ग्राउंड स्टेट आप लोगों को दिख रहा है, सेम वे आपको क्या दिखेगा इसका एक्साइटेड स्टेट भी देखने को मिलेगा ठीक है ना। जैसे इसका ग्राउंड स्टेट आपको दिख रहा है ऐसा, तो सेम वे क्या दिखेगा बेटा आपको, इसका एक्साइटेड स्टेट भी सेम वे देखने को मिलेगा, बेटा टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एक्साइटेड स्टेट, बेटा इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के पास में 5 होते हैं, लेकिन ये टोटल मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना शो कर सकता है 3, ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता क्यों, क्योंकि इसके पास में सिर्फ जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में भी जाके देखो और एक्साइटेड में भी वो 3 ही रहते हैं ठीक है ना। बट इसका जो नीचे इसका पड़ोसी ग्रुप है इसी के ग्रुप का उसको चेक करते हैं फास्फोरस ठीक है बेटा। अगर आप लोग फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है बेटा, वाटर 3s2 3p3, बेटा फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, दैट इज 3s2 3p3, बेटा 3s2 3p3 में आप लोग देखेंगे एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, एस में हम लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और P में कितना इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है बेटा, P में आपको 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है एक एक करके तीनों ऑर्बिटल्स में ठीक है बेटा। मैं आपसे पूछूं इसका ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी कितना है, अब लोग बोलेंगे ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी 3, ये बेटा कौन सा होगा इसका ग्राउंड स्टेट। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा इसका एक्साइटेड स्टेट बताओ बेटा, क्या इसके पास में कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या इसके पास में कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन को कहीं पे अनपेयर कर सकता है बेटा, उसको समझने के लिए ये बताओ कि यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू कितना है बेटा, n का वैल्यू 3 है बेटा, n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, l का वैल्यू 0 1 और 2, l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है बेटा, l का वैल्यू अगर 0 1 और 2 होगा तो इसके पास कौन से वाले ऑर्बिटल्स होंगे बेटा, 0 होने का मतलब s ऑर्बिटल, 1 होने का मतलब p ऑर्बिटल, 2 होने का मतलब d के ऑर्बिटल्स होंगे, मतलब 3p के साथ में इसके पास 3d भी होगा लेकिन उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। फास्फोरस के पास में क्या होते हैं, वैकेंट d ऑर्बिटल्स रखे होते हैं, बट इसके पास में वैकेंट d ऑर्बिटल है, यानी कुछ सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे तुम लोगों के पास s है, इधर हम लोगों के पास p है बेटा, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, वैकेंट d ऑर्बिटल्स भी है बेटा, क्या ये इस इलेक्ट्रॉन को d में भेज सकता है कि नहीं भेज सकता, आसानी से डी में भेज के क्या कर लेगा बेटा, ये अनपेयर कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इधर रखेगा एक को इधर भेज देगा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 5 बेटा। फास्फोरस जो होगा उसका मैक्सिमम कोवेलेंसी बेटा कितना हो सकता है, 5 बन सकता है, लेकिन नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होता है बेटा वो कितना होता है, 3 होता है, नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 3, क्यों नहीं बना सकता बेटा, ये 3 से ज्यादा अपने कोवेलेंसी को एक्सपेंड क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज
because of absence of vacant d orbitals. बट इसके पास में क्या नहीं होते, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते. इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे तो क्या ये अपने कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर सकता. ये कितना बॉन्ड बना पाएगा? बेटा 3 बना पाएगा. इसकी वजह से बेटा कुछ नहीं पूछे जाते हैं कैसा, कि बेटा जो MCl5 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, PCl5 जो होता है वो एग्जिस्ट करता है. क्यों करता है बेटा? PCl5 एग्जिस्ट, आप लोग बोलेंगे फॉस्फोरस जो होगा बेटा, वो यहाँ पे कोवेलेंसी कितना है फॉस्फोरस का? 5 है बेटा. नाइट्रोजन का कितना है? वो भी 5 है. तो क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं. तो क्या ये NCl5 बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा. तो NCl5 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होता है दैट इज 3. नाइट्रोजन 3 से ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन जो होगा बेटा क्या नहीं करता, 3 से ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता. तो बेटा NCl5 तो नहीं बनेगा, सिर्फ क्या बन सकता है? PCl5 का फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि फास्फोरस तो 5 बॉन्ड बना सकता है. क्यों बना सकता है? क्योंकि इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है? बट सिमिलरली एक और पूछते हैं, सिमिलरली जैसे आपसे पूछा जाए कि R3P डबल बॉन्ड ओ एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो बोलेंगे करेगा. फास्फोरस कितना बॉन्ड बना रहा है बेटा? पी डबल बॉन्ड ओ, कितना आर कनेक्टेड है बेटा? लेकिन मैं बोलूं R3 N डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर पाएगा? अब बोलेंगे बिल्कुल नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? यहाँ पे बेटा कितना R कनेक्टेड है? 3. नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिया बेटा? यहाँ पे दिख रहा है 2 3 5, बेटा 5 बॉन्ड बना पाएगा नाइट्रोजन? कभी नहीं बना सकता नाइट्रोजन बेटा. 5 बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता है नाइट्रोजन, 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता. तो ये R3 N डबल बॉन्ड को एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेगा बेटा? R3 यानी फॉस्फोरस के केस में पेंटावेलेंट जो कंपाउंड होगा वो एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है बेटा. सिमिलरली अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ में बेटा, अगर मेरे पास में ऑक्सीजन होता, आपसे पूछा होता कि ऑक्सीजन का कोवेलेंसी कितना होगा, आप बोलेंगे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 2s2 2p4, बट इसका जो ग्राउंड स्टेट होता है उसमें होते हैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यहाँ पे होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स. कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? 2. इसका कोवेलेंसी कितना हो गया? 2. कौन सा वाला कोवेलेंसी? ग्राउंड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट में जाके क्या अपने इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता बेटा. क्या ये एक्साइटेड स्टेट में जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर कर पाएगा? नॉट पॉसिबल. क्यों नहीं पॉसिबल है बेटा? क्योंकि यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है? 2. एन का वैल्यू 2 है तो बेटा एल का वैल्यू क्या क्या होगा? 0 और 1. इसके पास कौन से ऑर्बिटल्स होंगे? एस और पी. क्या इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है? बिल्कुल भी नहीं है. इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो जैसा इसका आपको ग्राउंड स्टेट दिख रहा है बेटा, सेम वे आपको दिखेगा इसका कौन सा वाला स्टेट? सेम वे आपको इसका दिखेगा एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे? 2. बेटा मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑक्सीजन का कितना हो सकता है? 2 ही हो सकता है, क्योंकि इसके पास से बेटा वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, तो ये भी अपना कोवेलेंसी को 2 से ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता. लेकिन इसी के ग्रुप का एलिमेंट अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ में, सल्फर. अगर सल्फर को आप लोग देखेंगे अगर बेटा, तो सल्फर के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है 3s2 3p4. अगर इसका लोग ग्राउंड स्टेट जाके चेक करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसा. टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना दिख रहा है अभी आप लोगों को इसके पास? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 and 2. कोवेलेंसी कितना हो गया बेटा? 2 हो गया. कौन सा कोवेलेंसी है? ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी. कौन से कौन से वाले ऑर्बिटल्स हो सकते हैं इसके पास में? वेरी गुड सौरभ, इसके पास में कौन से कौन से वाले ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? बिल्कुल 3D पड़ा हुआ खाली, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इसके पास में है. बट अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन को बेटा ये डी ऑर्बिटल में भेज के आसानी से अनपेयर कर लेगा, जिससे इसका जो कोवेलेंसी होगा वो क्या कर जाएगा बेटा? इंक्रीज कर जाएगा. इसका आप लोग एक्साइटेड स्टेट जाके देखेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में बेटा क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को, 1 इलेक्ट्रॉन को बेटा यहाँ रख के रखेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा हुआ है, 1 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख लेगा बेटा, और बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज देगा बेटा? डी में.
डी में कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दो। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा इसके पास है, अभी कितने अनपढ़ हो गए, सारे के सारे अनपढ़ इलेक्ट्रॉन, बेटा कितना बॉन्ड बना पाएगा ये, छह बना सकता है। सिमिलरली इसका जो कोवेलेंसी होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, इसका कोवेलेंसी होगा बेटा वो सिक्स हो सकता है, ये छह बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि इसके पास कितने अनपढ़ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, पास छह दिख रहे हैं। मैक्सिमम कोवेलेंसी होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। हाँ समझ में आ रहा है बेटा। तो बेटा यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे बेटा आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसके पास में कौन कितना रख सकता है। ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड क्यों बनाता है, ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन ऑक्सीजन होता है बेटा वो क्या करता है, वो दो बॉन्ड बनाता है सिर्फ, बाकी एलिमेंट क्या करते हैं बेटा, बाकी एलिमेंट आप लोगों ने देखा हो सल्फर होगा वो छह बना पाएगा, इसके नीचे इसके ग्रुप के जो और एलिमेंट होंगे वो भी छह बना पाएंगे, क्योंकि उनके पास में बेटा उनके पास में क्या होगा, उनके पास में नंबर ऑफ उनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे तो बेटा वो क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ सभी को, है ना। तो सिमिलरली बेटा यहाँ पे इसका तो ऑक्सीजन के केस में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होता। बेटा सिमिलरली अगर मैं आपको बता दूं कि अगर बेटा आप लोग फ्लोरीन का कैलकुलेट करोगे, फ्लोरीन का बेटा फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है 2s2 2p5, अच्छे से समझना बेटा, 2s2 2p5 होगा, इसके पास में 2d हो सकता है क्या, इसके पास में 2d होगा क्या, 2d नहीं होता ना बेटा, इसके पास में 2d नहीं होना ना मतलब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसके पास क्या नहीं है बेटा, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है तो बेटा क्या करेंगे, तो फिर क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है तो बेटा इसका लोग ग्राउंड स्टेट जाके देखेंगे, जैसा ग्राउंड स्टेट होगा ऐसे आपको इसका एक्साइटेड स्टेट भी दिखेगा, एस में आपको दो इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे और पी ए बेटा आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, पी ए बेटा आपको देखने को मिलेंगे टोटल पांच इलेक्ट्रॉन्स, पांच इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा बेटा ऐसा कुछ, तो इसके पास ग्राउंड स्टेट हो या फिर एक्साइटेड स्टेट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे सभी केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा बेटा, एक ही देखने को मिलेगा, बड़ा इसका जो मैक्सिमम कोवेलेंसी हो सकता है फ्लोरीन का वो वन हो सकता है, लेकिन इसका पड़ोसी अगर क्लोरीन की से बात करूं बड़ा क्लोरीन के केस में आप लोग सब लोग बता सकते हैं कि इन केस ऑफ क्लोरीन जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है 3s2 3p5, 3d होगा तो 3d0, 3s है तो 3d होगा कि नहीं होगा, सब लोग समझ सकते हैं कि n का वैल्यू 3 है तो d ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, इसके पास में d ऑर्बिटल्स होंगे, अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को बेटा ये क्या कर पाएगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर पाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसका बेटा आपको दिखेगा कि इसका जो ग्राउंड स्टेट होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, ग्राउंड स्टेट में तो एक अनपेयर मिलेगा तो ग्राउंड स्टेट को वैलेंसी वन होगा, जैसे ही ऑक्साइडेड स्टेट में जाएगा सारे के सारे साथ के साथ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा बेटा, अनपेयर कर लेगा, सारे के साथ इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करके बेटा कितने टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे साथ, बेटा इनका जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होता है वो 7। आप लोग एक बात और समझना कि मैं जितने एलिमेंट लिखा हूं आपको पता है वो फर्स्ट सेकंड, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा कि आपको बेटा कोई भी हम लोगों के पास में अगर है तो फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, मैं एक 13 से लिया हूँ, एक 14 15 16 ऐसे 17 ग्रुप तक मैं एग्जाम्पल लिया, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि उस ग्रुप का कोवेलेंसी कितना हो सकता है, बट ये किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ही नहीं, जैसे आपको पता है ये 17th ग्रुप के दोनों एलिमेंट हो गए फ्लोरीन क्लोरीन, तो आपको पता है पहला वाला जो एलिमेंट है वो फ्लोरीन है वो एक बनाएगा, क्लोरीन के नीचे के सारे एलिमेंट क्या कर सकते हैं बेटा, वो सात या उससे ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके वजह से आपको ऑक्सीजन और सल्फर कौन से वाले ग्रुप का एलिमेंट है, 16th ग्रुप का, तो ऑक्सीजन कितना बनाएगा, दो, लेकिन सल्फर कितना बनाएगा, छह, उसके नीचे वाले एलिमेंट क्या कर सकते हैं बेटा, छह बॉन्ड बना सकते हैं, तो उनके पास में क्या होते हैं बेटा, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे तो वो सारे के सारे अपने इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली आपको मैं डिस्कस किया था यहाँ पे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये बेटा 15th ग्रुप का एलिमेंट है, तो मैं हर ग्रुप का आप लोगों को मिनिमम कोई मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना हो सकता है बेटा वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बात करूं बेटा नोबल गैसेस की, तो नोबल गैसेस में कौन से होते हैं बेटा, जेनोन आपको पता होगा, एक्सी वो क्या करता है बेटा, वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना। बेटा इसके पास में
आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 8 होते हैं। बड़े सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने अनपेयर कर लेगा, बड़े ये भी क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है ना। अब एक बात अच्छे से समझना कि इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बेटा आपको ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल को फॉलो नहीं करना होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी एलिमेंट का कोवलेंट करना होता है, कौन सा रूल फॉलो नहीं करना, ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल को बेटा कोवलेंट बॉन्ड के केस में फॉलो नहीं किया जाता। आपको इसी वजह से मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोवलेंसी कितना है बेटा, किसी भी एलिमेंट का कोवलेंसी कितना होता है। तो उस कोवलेंसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, सभी केस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब देखो ये आपको बेसिक कोवलेंसी समझ में आ गया बेटा। अगर आप लोगों के पास में कोई भी आयन है, यानी अगर हम लोगों के पास कार्बन है बेटा, उसके पास आयन की फॉर्म आ जाए, हम लोगों के पास है बेटा कोई भी है ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन प्लस ओ माइनस की है, वो क्लोरीन है सी एल माइनस की फॉर्म में आ जाए, कार्बन पे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, नाइट्रोजन हो या कोई भी और एलिमेंट हो, तो उनके केस में बेटा हम लोग कैसे कोवेलेंसी को चेक करेंगे, हम लोगों को कैसे वो मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, थोड़ा सा और समझना। जैसे देखो बेटा जैसे मेरे पास है बेटा, मैं यहाँ से डिस्कस करूंगा बोरोन के पास में, ठीक है ना। मान लो प्लस बोरोन है बेटा, बोरोन अगर आपके पास में प्लस होता, ये आपको ग्राउंड स्टेट दिख रहा है, इसका ऑक्साइड स्टेट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। आपको कौन सा स्टेट दिख रहा है बेटा, इसका ऑक्साइड स्टेट। मान लो आपके पास बोरोन के पास पॉजिटिव चार्ज होता, बट अगर बोरोन के पास में पॉजिटिव चार्ज होता तो वो बी पॉजिटिव का बेटा एक्साइटेड स्टेट कैसा दिखता है? अगर बोरोन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो आपको एक्साइटेड कैसा दिखेगा? आपको कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे बेटा दो इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएगा, एक मिलेगा। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बेटा, दो। समझ आ रहे हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन से तो आप लोग क्या बोलेंगे, इसका जो कोवेलेंसी होगा बी प्लस का वो कितना हो सकता है, वो दो हो सकता है बी प्लस का कोवेलेंसी। इन्हें आप लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि बोरोन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसका जो कोवेलेंसी होगा बेटा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बोरोन सिंपली कितने बॉन्ड बना सकता है, तीन। पॉजिटिव आने से कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, दो। बेटा कितना वो बॉन्ड बना पाएगा, वो दो ही बना पाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर बोला होता कि बोरोन माइनस अगर आप लोगों के पास है तो बेटा इसका एक्साइटेड स्टेट आपको कैसा देगा, बोरोन माइनस का। बेटा बी माइनस के लिए आप लोग बोलेंगे कि बेटा इसके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, बेटा माइनस होने का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन है, माइनस होने का मतलब क्या हो गया बेटा, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। एक और इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या हो गया बेटा, दो यहाँ पे थे और एक और आ गए थे। बेटा टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास में, मैं आपसे बोलूँ की बी माइनस के पास में टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना, आपको देखिएगा एक दो तीन चार, टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा कितना है, चार। बी माइनस क्या कर पाएगा, चार बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बड़ा सिंपल सी बात ये समझो कि B प्लस पॉजिटिव देने से बोरोन को कोवेलेंसी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, लेकिन नेगेटिव देने से बोरोन का कोवेलेंसी होता है वो इंक्रीज कर जाता है। B माइनस का जो कोवेलेंसी होगा वो चार होगा, ठीक है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो जैसे मेरे पास कार्बन है, कार्बन बड़ा कार्बन के केस में कार्बन पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो कोवेलेंसी क्या चेंज आएगा वो समझना। अगर कार्बन पॉजिटिव होता सी प्लस, बड़ा सी प्लस होने में इसका एक्साइटेड स्टेट कैसा दिखेगा आपको मुझे कोई बताएगा क्या? अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता तो बेटा इसका एक्साइटेड स्टेट आपको कैसा देखने को मिलेगा, सिंपल सा ये बताओ बेटा। सी प्लस होगा तो कैसा दिखेगा आपको, सी प्लस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखेगा बेटा, आपको यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे बेटा आपको, सी प्लस के कैसे बेटा क्या दिखेगा आपको, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा, बाकी सब जगह बेटा पॉजिटिव आने से टोटल तीन इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे कितने बचेंगे बेटा, दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है। टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा, तीन हो गए, बेटा इसका कोवेलेंसी कितना हो गया इसके केस में, तीन हो गया। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे इसके केस में कोवेलेंसी कितना हो जाएगा इसका, तीन, डिक्रीज कर जाएगा। अब सोचो कि कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होगा बेटा, अगर कार्बन पे चार्ज नेगेटिव होता तो नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा बेटा, ठीक है ना, बेटा नेगेटिव आने से क्या होगा, नेगेटिव आने से बेटा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। बड़ा इलेक्ट्रॉन गेन होने से क्या होगा, पहले से बेटा ऐसा कुछ कंडीशन था, ठीक है ना। समझ आ रहे है? अभी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, बेटा इलेक्ट्रॉन गेन होने पे क्या होगा, बड़ा इलेक्ट्रॉन गेन होने पे ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहे है? बेटा इलेक्ट्रॉन गेन होने पे आपको दिखेगा, बेटा गलत फिल कर दिया वहां पे,